लोग अभी वही सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो हम लोग अभी मतलब आज पहला नवरात्रि पहली बच्चे हैं और अपने गुलाब के तो हो चुके, मतलब वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे आधे पुराने हो चुके, मतलब सड़ चुके हैं समझो, बहुत उनसे लगे हैं सड़ चुके। और जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच रहा था पूरा छत, देखो छत तक तो हो गया, वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो अभी आपको दिखाते हैं क्या जुगाड़ था हमारा, दीवार से इस दीवार के सहारे यहाँ तक जितने में पापा आया नहीं वही तोड़ लिया, यहाँ से थोड़े बहुत तोड़े हैं, अरे सब पुराने बच्चे से भी नए बच्चे ये कल के लिए रखे कि कल जैसे ख़राब ना हो तो बढ़िया जैसे बचेंगे तो उनको भी लगा देंगे। चलो वहाँ के साफ करते हैं, यहाँ के साफ हो चुके हैं। ये हमारे घर की प्यारी सी बेटू है, इसका नाम है इसी। बस कुछ से यहाँ के इतने तो मैंने साफ कर दिए, फिर याद आया कि ब्लॉग रेडी कर, चलो कोई बात नहीं यहाँ पे। और गाइस ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ 2 अप्रैल को, ठीक है, और ये आपको पता नहीं कब मिलेगा, जैसे 4 अप्रैल तक, 4 या तो 3 अप्रैल तक मिल ही जाएगा क्योंकि मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला, जब डलवाऊँगा तो आपके पास ये वीडियो पहुँच जाएगा। चलो इनको तोड़ते हैं तो आपसे मिलते हैं। गाइस यहाँ पे आए ये गुड़गांव के पुराने दोस्त आए हैं, तो यहाँ पे आप कुछ बोलना चाहते हो कि नहीं, कह दो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बोल दो, तुम बोलो। एक का नाम है निशु और एक का नाम सनी बात, सनी श्रीवास्तव। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मैंने तो यहाँ से यही पेड़ के फूल तोड़े और यहाँ के इतने, और जैसे मांगने आते हैं सारे लोग उनको दे देते हैं, जैसे भाई यहाँ पे कल के लिए इतने फूल बचा दिए गए, आधे से आधे कम हो चुके उस पेड़ के भी, आधे से आधे कम हो चुके। यहाँ पे आप वही से मजदूर में वही काली रेंज बिच वही से हथियार नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो गाना आता है मगर मैंने गा दिया, ये गाने मुझे पंजाबी आते नहीं है, पंजाबी कुछ भी कोई भी गाने मैंने ज़्यादा नहीं गाता हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़े यार पुराने फूल बच्चे, इनको तोड़ के अलग फेंक देने चाहिए, बेकार बच के आधे में लगे हैं, देखो ऊपर सारे बेकार। सो गाइस यहाँ पे आज है 2 तारीख और अप्रैल का महीना चल रहा है, और आज है 2 तारीख को आज दीपक भैया का बर्थडे भी है। दीपक भैया को आप लोग जानते होंगे, तो भाई ये वीडियो से आज 2 तारीख है तो ये वीडियो पता या तो 4 या तो 3 तारीख 5 तारीख तक पड़ जाएगा, तो आप लोग कमेंट में भाई हैप्पी बर्थडे दीपक भैया लिख देना। तो भाई यही बताने के लिए आपको मैंने कहा था भाई प्लीज़ दीपक भैया के लिए ये सब तो होना चाहिए। तो गाइस देखते हैं क्या होगा, तब तक के लिए और यहाँ पे पूजा भी हो रही है, आपको भी दिखा दी। अभी आरती हो रही है, आरती होने के बाद नीम के पेड़ को पूजा जाएगा, फिर वहाँ पे अपने पीपल के पेड़ के नीचे जो शंकर भगवान मिले वहाँ पे पूजा जाएगा, पीपल का पेड़ भी पूजा जाता है। भाई सब यहाँ पे सारी चीज़ें पूजी जाएंगी, फिर होगी पूजा, फिर शाम को भी होगी पूजा। धरनाटे काट रही है सुगा आरती हो रही थी तो इसी रोने लगी, तो हम लोग इसी को यहाँ पे लाए हैं। क्या हुआ? चलो अच्छा आप तुमको हम अंदर ले चल रहे हैं। Thank you.